हेलो एवरी वन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पोल्स पॉइंट एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिजीज़ ब्रेस्ट कैंसर एंड आई विल ट्राई कि मैं सारे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर दूँ तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली होता क्या है उससे पहले जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है जो फीमेल्स में देखने को मिलता है ब्रेस्ट कैंसर इज द कैंसर दैट इज फॉर्म इन द सेल्स ऑफ द ब्रेस्ट यानी कि एक ऐसा कैंसर होता है जो कहाँ पर फॉर्म होता है जो फॉर्म होता है सेल्स ऑफ द ब्रेस्ट में यानी कि ब्रेस्ट में जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहां पर ये कैंसर देखने को मिलता है और ये लीडिंग कॉज है डेथ इन वेमेन में जिनकी एज लाए करती है फोर्टीन टू फिफ्टी फोर ईयर्स तो दिस इज अबाउट द मीनिंग कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है अब अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर या फिर कॉजेस की तो सबसे पहले अगर हम इसका रेशियो देखें तो फीमेल और मेल रेशियो इज़ नाइनटी नाइन इस टू वन यानी कि ये फीमेल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है मेल में इसके चांसेस बहुत कम होते हैं नंबर टू इसका रिस्क इंक्रीजिंग एज के साथ बढ़ता है यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ेगी ब्रेस्ट uh, कैंसर होने का जो चांसेस रहता है वो ज़्यादा होता है ये हाई इकोनॉमिक स्टेटस वाली वेमेंस में ज़्यादा देखने को मिलता है अब इस इसका रीज़न ये इसीलिए कहा गया है क्योंकि जो हाई इकोनॉमिक स्टेटस के विमेन होती हैं वो सही तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती बिकॉज ऑफ देयर वर्क शेड्यूल तो वो पाउडर मिल्क यूज़ करती हैं या फिर इम प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती हैं टाइमली नहीं कराती तो इसलिए ही उनमें देखने को मिलता है सैरोगेसी जो मदर सैरोगेसी के थ्रू बेबी बेयर करती हैं उनमें देखने को मिलता है जो विमेन्स हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी करवाती हैं उन उनमें फिर आ जाता है एज एट फर्स्ट फुल प्रेगनेंसी ओल्डर इन थर्टी जो वुमेन आफ्टर द एज ऑफ थर्टी कंसीव करती हैं उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है अर्ली मैन के बिफोर ट्वेल्व ईयर्स यानी कि उनका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड अगर बारह साल के पहले आया है तब भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेज होते हैं लेट मेनोपॉज यानी कि आफ़्टर फिफ्टी ईयर्स अगर आफ्टर फिफ्टी ईयर्स मेनोपॉज हो रहा है यानी कि लास्ट मैंस्टुरल साइकिल आ रही है उनमें ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिल सकता है अगर फैमिली हिस्ट्री है फैमिली में पहले किसी और को ये ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है तो देखने को मिलेगा अगर कोई विमेन है जो प्रोलॉन्ग यूज़ करिए ओरल कॉन्ट्रसेप्टिवस का उनमें एल्कोहल इनटेक नली पेरिस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नली पेरिस यानी कि जो विमेन है उन्होंने कंसीव नहीं किया है लाइफ टाइम या फिर एक सर्टिन पीरियड ऑफ एज में उन्होंने कंसीव नहीं करा है उन, उन्होंने कोई भी बेबी को बर्थ नहीं दिया है वो नैली पैरेंस हो जाता है फिर जीन चेंजेस एक्चुअली क्या होता है बी आर सी ए वन जीन रहता है उस जो ये यूजुअली फैमिली में पहले अगर किसी को प्रेजेंट होता है फिर उसमें म्यूटेशन आने के कारण ये जीन अगर प्रेजेंट होता है और उसमें म्यूटेशन आ जाता है तो ये ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेज होते हैं तो ये हो गया रिस्क फैक्टर अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में तो अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें तो ये है राइट right ब्रेस्ट और ये है लेफ्ट ब्रेस्ट अब क्या होता है कि जो ब्रेस्ट होता है ये अकर मेजॉरिटी इन अपर आउटर क्वाड्रेंट। तो ये देखिए ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है तो इसमें दिस इज़ अपर आउटर कोआर्डिनेट ये अपर इनर क्वाड्रेंट ये लोअर आउटर क्वाड्रेंट है ये लोअर इनर क्वाड्रेंट तो सबसे ज़्यादा अपर आउटर क्वाड्रेंट में देखने को ये मिलता है इसके बाद मोस्ट कॉमन है लेफ्ट ब्रेस्ट तो लेफ्ट ब्रेस्ट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर अपन बात करें तो कोई भी अगर न्यू लम्प देखने को मिल सकता है ब्रेस्ट में थिकनिंग इन पार्ट ऑफ ब्रेस्ट ब्रेस्ट में पार्ट में कहीं थिकनिंग हो हो सकती है इसमें जो मास होता है ये पेनलेस होता है नॉन टेंडर होता है हार्ड होता है और जो जिसका शेप रहेगा इस मास का ट्यूमर का वो इरेगुलर रहेगा फिर जिस पार्ट में ये कैंसर हुआ है वहाँ पे रेडनेस देखने को मिल सकती है वहाँ की जो स्किन है वो फ्लेकी एरिया हो सकता है अराउंड द निपल एरिया निपिल एरिया के अराउंड जो स्किन है वो फ्लेकी और निपल डिस्चार्ज निपल से डिस्चार्ज होता है तो दिज अबाउट दी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की तो अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो हमें दो टाइप के देखने को मिलता है सबसे पहले आ जाता है नॉन इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर यानी कि कार्सु कार्सिनोमैन सितु इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव टोल्ड अबाउट यू व्हाट इज कार्सिनोमा सितु यानी कि जो कैंसरियस सेल है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर है वो कहीं भी स्प्रेड नहीं हुआ अभी मेटास्टेसिस नहीं हुआ है और जिससे हम मतलब इसमें नाइन्टी नाइन परसेंट चांसेज होता है कि ए क्योरेबल होता है तो नॉन इन्वेजिव ब्रेस्ट का कैंसर का मतलब होता है ये कैंसर हमें देखने को मिलता है डक्ट्स ऑफ दी ब्रेस्ट को जो कि ब्रेस्ट इश्यू में अभी स्प्रेड नहीं हुआ है वो केवल डक्ट में फाउंड होता है और अगर इसको सही समय पर ट्रीटमेंट किया गया सर्जरी हुई तो इजीली इसको क्योर भी कर सकते हैं रिमूव कर सकते हैं फिर आ जाता है इन्वेजिव अब इन्वेजिव का मतलब क्या होता है इन्वेजिव का मतलब अगर सिंपल भाषा में जाने तो इनफिल्ट्रेशन इनफिल्ट्रेशन यानी कि कि एक इन, जो कैंसरियस सेल है वो इनफिल्ट्रेट हो गए सराउंडिंग टिश्यू में यानी कि एक जगह जहाँ प्रेजेंट है वहाँ से भी वो दूसरी जगह जाने लगे तो उसका अपन बोलते हैं इन्वेजिव तो इन्वेजिव में क्या होता है वैन कैंसर सेल्स हैव स्प्रेड थ्रू द लाइनिंग ऑफ डक्ट इन द सराउंडिंग टिश्यू यानी कि इन्वेजिक ब्रेस्ट कैंसर में जो कैंसर के सेल्स रहते हैं वो डक लाइनिंग ऑफ डक्ट से सराउंडिंग टिश्यू में फैल जाते हैं तो ये हो गया हमें एक हो गया नॉन इन्वेजिव ब्रेस्ट कैंसर और एक हो गया इन्वेजिव अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल स्टेजिंग में तो हमें सबसे पहले जो स्टेज रहती है वो तो होती है कार्सिनोमा इंसेटू मतलब वही बेसमेंट मेम्ब्रेन पर है फिर आ जाता है स्टेज वन अब स्टेज वन में क्या रहता है स्टेज वन में जो ट्यूमर का साइज रहता है वो क्या होता है वो टू सेंटीमीटर से लेस होता है और लिम्फ नोड में क्या लिम्फ नोड में मेटास्टेसिस अभी नहीं हुआ है सिर्फ एक ही जगह पर ये हमें देखने को मिलता है स्टेज टू में क्या होता है ये जो ट्यूमर रहता है ये टू टू फाइव परसेंट हमें देखने को मिलता है और एक्जरी निम्फ नोड में इसका क्या होता है हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे ये धीरे धीरे जाकर फैल रहा है Uh, फिर आ जाता है स्टेज थ्री में फाइव सेंटीमीटर का हो जाता है और ये स्किन में भी स्प्रेड हो जाता है और लिम्फ नोड में ये मेटास्टाइज uh, होने लगेगा इसका मतलब क्या है एक्जुअलरी लिम्फ नोड कहाँ होता है ये एक्जुअली लिम्फ नोड जो रहता है ये हमारे आर्मपिट्स के पास रहता है फिर स्टेज फोर में डिस्टेंट मेटास्टाइसिस देखने को मिल रहा है बोन लिवर ब्रेन और लंग्स एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब जो ब्रेस्ट कैंसर रहता है ये सबसे पहले कहाँ पर मेटास्टाइसिस देखने को मिलता है तो इसका आंसर है बोन बोन के अलावा ये लिवर ब्रेन और लंग्स में देखने को मिलता है तो ये हो गया क्लिनिकल स्टेजिंग अब अगर हम टी एन एम क्लासीफिकेशन ये टी एन एम टी एन एम क्लासीफिकेशन की बात करें तो ऑब्वियस बात है टी आई एस यानी कि कार्सिनोमे इंसिटू की कंडीशन है तो कोई नोड्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है मेटास्टेसिस भी नहीं है फर्स्ट स्टेज में जो अपना ट्यूमर है वो लेस देन टू सेंटीमीटर है ठीक है नोड्स इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है मेटास्टास भी नहीं हुआ है फिर स्टेज टू की बात करें तो इसमें ट्यूमर टू से फाइव सेंटीमीटर पे है हाँ अब यहाँ पे लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो गया लेकिन मेटस्टास नहीं है फिर स्टेज थ्री में जो ट्यूमर है वो फाइव सेंटीमीटर अराउंड हो गया है और यहाँ पर भी नोट्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया और मेटस्टाइसिस लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ है स्टेज फोर में ट्यूमर एनथ्री हो जाएगा नोड्स इन्वॉल्वमेंट के कारण और यहाँ पे मेटेस्टाइसिस देखने को मिलता है जो बोन में लिवर में ब्रेन या फिर लंग्स में हमें देखने को मिलती है तो ये हो गया क्लिनिकल स्टेजिंग और टी एन एम क्लासिफिकेशन अब हम बात करते हैं कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं कि भाई पता कर सके कि ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो इसका सबसे जो मतलब कहते हैं ना सबसे एक्यूरेट है दैट इज ब्रेस्ट मेमोग्राफी ये सबसे एक्यूरेट डायग्नोस्टिक मेजर है टू नो अबाउट दी ब्रेस्ट कैंसर अब इसमें क्या करते हैं कि जो ब्रेस्ट रहता है उसको हॉरिजॉन्टली और ऑब्लिकली क्या करते हैं कंप्रेस करते हैं एक मशीन रहती है उसमें कंप्रेशन होता है ब्रेस्ट का हॉरिजॉन्टली और ऑब्लिक डायरेक्शन में फिर एक्सरे बीम से एक्सरे रेज आएंगी और फिर हमें इसका पूरा व्यू देखने को मिलता है कि अबाउट ऑल द डिटेल्स की ब्रेस्ट कैंसर कितना फैला है कैसा है तो ये सबसे ज़्यादा फिर एक टेस्ट होता है ब्रेस्ट बायोप्सी एफ आप सब सी आप जानते होंगे फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी तो उसमें क्या कहते हैं एक फ़ाइन नीडल लेते हैं और जहाँ पर ये ट्यूमर हमें देखने को मिल रहा है जहाँ पर कैंसर है वहाँ से हम उस नीडल को इंसर्ट करके सैंपल को लेते हैं अ नीडल इज़ यूज़ टू ड्रॉ सैम्पल और एंड टिश्यूज फ्रॉम अ लम्ब टू बी स्टडीड ब्रेस्ट में कहा जहाँ पर भी लम्प है तो वहाँ पर नीडल इंसर्ट करेंगे वहाँ से सैम्पल लिया जाएगा और फिर हम उसको फर्दर स्टडीज़ के लिए लेबोरेटरीज में भेजते हैं और फिर पता चलेगा सकते हैं अल्ट्रासाउंड पेट स्कैन और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन तो ये सारे ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं ब्रेस्ट बायोप्सी और ब्रेस्ट मेमोग्राफी वगैरह और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन एक बोल सकते हैं डायग्नोस्टिक टूल है जो बीच बीच में सेल्फ एग्जामिनेशन करते रहना चाहिए तो आप बात कर लेते हैं मैनेजमेंट के बारे में जिसमें सबसे पहले आप देख लेते हैं मैने मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में तो सबसे पहले मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें आ जाता है रेडिएशन थेरेपी क्या होती है रेडिएशन थेरेपी रेडिएशन थेरेपी एक बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना गया है जिन्होंने लम्पिक टॉमी करवाई है अभी मैं आगे सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में बताऊँगी तो लंपेक्टोमी टॉमी क्या होता है रिमूवल ऑफ द लम बेसिकली तो रेडिएशन थेरेपी को दो तरीके से हम डिलीवर कर सकते हैं पहला हो जाएगा एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी और सेकेंड हो जाएगा इंटरनल रेडियोथेरेपी तो रेडिएशन थेरेपी बहुत सक्सेसफुल माना गया है उन विमेंस में जिनकी ऑलरेडी लम्पिक टॉमी डन है और कुछ केस ऑफ मैजिक टॉमी में भी ये आ, इम्पॉटेंट है मतलब ये एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट की तरह लिया गया है फिर आ जाता है कीमोथेरेपी में तो कीमोथेरेपी में क्या रहता है जो कीमोथेरेपी रहती है ये इसमें जो एजेंट्स रहते हैं कीमोथेरेप्यूटिक ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं कैंसर के सेल्स को वहाँ पे कंटिन्यूसली डिस्ट्रक्शन करते हैं जिससे कि जो सेल डिविज़न हो वो, वो रिड्यूस हो जाए और जो ट्यूमर है उसकी ग्रोथ ना बढ़ पाए ठीक है तो इसमें हम जो जो हम यूज़ करते हैं ड्रग उसमें आ जाएगा साइक्लोफोस्फोमाइड मीथोट्रेगजिट और फाइव फ्लोरोसिल अब एक अभी आगे बताती हूँ ड्रग ऑफ़ चॉइस तो अगर क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस जो हम प्रेफ़र करते हैं ब्रेस्ट uh, कैंसर में तो इसका आंसर होगा टेमोक्सीफेन सिट्रेट तो इसे हम देखते हैं थेरेपी में इसके साथ साथ हो जाएगा लेट्रोजोल अब क्या होता है टेमोक्सीफेन सिट्रेट क्या करती है ये एक्ट करती है एक ईस्ट्रोजिन एंटागोनिस्ट की तरह ईस्ट्रोजिन एंटागोनिस्ट की तरह यानी कि ये ईस्ट्रोजिन के प्रोडक्शन को क्या कर देती है बंद कर देती है ठीक है ये एक एंटागोनिस्ट की तरह एक्ट करती है जिससे जो न्यू कैंसर फर्दर डेवलप होने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं लेकिन क्या होता है टेमोक्सीफिन सिट्रेट का एक साइड इफ़ेक्ट है हमें देखने को मिलता है कि विजुअल डिस्टरबेंस हो जाते हैं बहुत सारे हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलता है और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स भी होती हैं तो ये हो जाएगा बट द आंसर यही है कि जो ड्रग ऑफ चॉइस हमें देख जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है ब्रेस्ट कैंसर की डैट इज़ टेमोक्सीफेन सिट्रेट तो ये हो गया मैनेजमेंट अब हम बात कर लेते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में तो सर्जिकल मैनेजमेंट का जो पहला मैनेजमेंट होता है वो होता है लम्पिकटॉमी तो लम्पिकटॉमी कर सकते हैं लंपिक टोमी में कहते हैं जो ब्रेस्ट होता है जो वहाँ पर लम्प फॉर्म होता है उसका रिमूवल यानी कि रिमूवल ऑफ द लंप इज कॉल्ड एज दी लम्पिकटॉमी फिर आ जाती है कॉर्ड्रेंटिक्टॉमी इसमें क्या करते हैं जैसे मैंने अर्ली आपको बताया कि अपर आउटर क्वार्रेंट में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है ब्रेस्ट कैंसर तो फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें नहीं दूसरे कॉर्डरेंट में तो जिस क्वारेंट में है उस क्वार को ही हम रिमूव करते हैं तो डैट इज कॉल्ड एज दी क्वाड्रेंटेक्टोमी फिर आ जाती है टोटल सिंपल मैसेक्टोमी इसमें क्या होता है इसमें ये होता है कि हम ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव कर देते हैं जिससे फर्दर जो है वो सेल डिवीजन ना हो फिर आ जाता है मॉडिफाइड रेडियल मैसेक्टोमी मॉडिफाइड रेडियल मैसेक्टोमी में क्या होता है कि हम ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव करते हैं उसके साथ साथ एक्जिलेरी लिम्फ नोट को रिमूव करते हैं ये लिम्फ नोट कहाँ पर प्रेजेंट होता है आम पिट के पास फिर आ जाता है इसमें ये मॉडिफाइड था याद रखना अब ये आ जाता है प्योर रेडिकल वाला रेडिकल मैसेक्टोमी तो उसमें हम ब्रेस्ट टिश्यू को रिमूव करेंगे ब्रेस्ट को अब जो पेक्टोलेरिस मेजर और माइनर मसल रहती है जो ब्रेस्ट में प्रेजेंट होती है उसको रिमूव करेंगे उसके साथ साथ एक्जिलरी लिम्फ नोड को हटाएंगे तो ये हो गया हमारे रेडिकल मैसेक्टोमी अब आ जाते हैं ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी अब क्या होता है फॉर एग्जांपल लेफ्ट ब्रेस्ट में अगर कैंसर है तो अगर हम वहाँ का मैसेक्टोमी या लम्पिकटॉमी करेंगे तो उससे क्या होगा कि इमेज कंसर्न हो जाएगा एक वुमेन को वो अच्छा नहीं लगेगा उनको बॉडी इमेज कॉन्शियसनेस हो जाएगी तो इसीलिए इसमें हम रीबिल्डिंग करते हैं ब्रेस्ट का आफ्टर मैसेक्टोमी और लम्पिकटॉमी अभी हम कैसे कर सकते हैं प्रोसेसिज इम्प्लान्टशन यानी कि एक दूसरी दूसरा ब्रेस्ट लगा के या फिर फ्लैप

ऑब्वियस ही बात है हम पेशेंट को तैयार करेंगे सर्जरी के लिए तो उसको पूरा सर्जिकल प्रोसीजर समझाएंगे जिससे उनके एनजाइटी कम हो जाए और जो हम बेसिक चीज़ें करते हैं रूटीन प्री ऑपरेटिव केयर में उनका कंसेंट लेना पेशेंट को एन रखना आई एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन प्रोवाइड करना सारी जानकारियाँ देना तो ये आ जाएगा हमारा प्री ऑपरेटिव केयर में अब पोस्ट ऑपरेटिव जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसमें हम देखते हैं तो जब पेशेंट की सर्जरी हो जाती है तो कौन सी पोजिशन देंगे हम उन्हें सुपाइन पोजिशन प्रोवाइड करेंगे और इफ़ेक्टेड एक्सट्रीमिटी को एलिवेट करेंगे जिससे एडिमा ना हो या फिर रिड्यूस करने एडिमा को रिड्यूस करने के लिए यानी कि अगर लेफ्ट ब्रेस्ट है तो वो जो एक्सट्रीमिटी रहेगी हम थोड़ा उसको ए, ए, एलिवेटेड रहेंगे जिससे एडिमा की प्रॉब्लम ना हो फिर अवॉइड ओवर यूज़ ऑफ आर्म ड्यूरिंग फर्स्ट फ्यू मंथ्स तो कुछ महीनों के शुरू के कुछ महीनों के लिए हम बोलेंगे कि ज़्यादा हाथों का इस्तेमाल ना करें ज़्यादा काम ना करें इमीजिएट स्नै ड्रेसिंग विद ड्रेनेज जैसे ही जब आ, ब्रेस्ट की सर्जरी हो जाएगी मैसेकटोमी लम्पेक्टोमी तो उसके बाद क्या हम ड्रेनेज लगा देंगे और स्नैक ड्रेसिंग कर देंगे अब इसके दौरान जब जब ड्रेनेज लगा दिया है तो उसके बाद हम देखेंगे पेटेंसी ऑफ दी ड्रेन को फिर जो भी कैरेक् कैसा करेक्टरस्टिक है ड्रेनेज का कितना अमाउंट है ये सारा हम चीजें रिकॉर्ड करेंगे और अगर हमें कुछ देखने को मिलता है तो डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना होता है फिर अब जैसे ऑपरेटेड जहां साइट है तो वहां से हमें ब्लड प्रेशर को मेजर नहीं करना है आईवी प्रोसीजर नहीं करना है और फिर पेशेंट को बोलेंगे कि आप जो हैवी ऑब्जेक्ट है हैवी चीजें हैं उन्हें ना उठाएं तो ये हो गया हमारा पूरा पोस्ट ऑपरेटिव केयर तो आई होप इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिए हैं इस डिजीज़ में ब्रेस्ट कैंसर में जो जो हो सकता है एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल और शेयर करिए विथ योर फ्रेंड्स थैंक यू सो मच